हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का 6th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वुल्फ गैंग ने सेट पर अटैक कर दिया था और हैनली भी आयरन स्लेव को लेकर सेट की मदद करने जाता है। उधर फुई को गैंग के लोग घेर लेते हैं और इसी चक्कर में वो एक पहाड़ी से नीचे लटक जाता है, लेकिन इससे पहले कि गैंग के लोग उसे मार पाए, हैनली वहाँ आकर उसे बचा लेता है और देखता है कि वो तो बुरी तरह से घायल हो चुका है। फुई भी उसे यहाँ देखकर चौंक जाता है और हैनली कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो देखता है कि फुई तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा और वो उसे थोड़ा आराम करने को बोलता है, लेकिन फुई कहता है कि सेट के लोगों की जान खतरे में है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तब हैनली उसे कुछ पेन किलर्स देता है और कहता है कि ये लड़ाई में तुम्हारे काम आएंगी। आगे का सीन सेट का है, जहाँ जिया लोंग अपने साथियों के साथ तबाही मचा रहा है और यहाँ उसकी और एल्मा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक तेज आवाज आती है जैसे कि वहाँ कोई अर्थक्वेक आ गया हो और हम देखते हैं कि ये सब सेट के लीडर वैंग के इशारे पर हो रहा है, जो किसी तरह इन अर्थक्वेक्स को कंट्रोल कर सकता है। जिया लोंग अपने लोगों को रुकने को बोलता है और वैंग से कहता है कि आज तुम बहुत टाइम बाद मिले हो और अब टाइम आ गया है कि हम लोग सदियों से चल रही इस लड़ाई को खत्म कर दें, ताकि सभी लोग शांति से रह सकें। वैंग भी उसकी बात से एग्री करता है और जिया लोंग उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक समझदार आदमी हो और अगर तुम सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारी लाइफ को आसान बना दूंगा। इस पर वैंग कहता है कि क्या तुम जानते हो ये सेक्ट एक क्रेटर पर बना हुआ है, जिसे हमारे पुराने लीडर ली ने बनाया था और इसके लिए उन्होंने चिमनडंजिया नाम के एक पुरानी टेक्निक को यूज किया था। वो बताता है कि इस माउंटेन का बेस ली की बनाई एक मशीन पर टिका हुआ है, जिसे गिराने के लिए बस एक लीवर ही काफी है और मेरे एक इशारे पर ये माउंटेन टूट कर नीचे घाटी में समा जाएगा। जिया लोंग को लगता है कि शायद वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है और तब वैंग उसे इसका एक नमूना दिखाता है। ऐसा करते ही जमीन फिर से हिलने लगती है और जिया लोंग समझ जाता है कि वैंग सच बोल रहा है। वैंग भी मशीन को रोकने को बोलता है और जिया लोंग उससे कहता है कि ये तो एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई है, जहाँ से ना आगे बढ़ा जा सकता है और ना ही कोई पीछे हटने वाला है। तब वैंग उसे एक आइडिया देता है जिससे वो इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं और वो है एक हेड टू हेड फेस ऑफ, जहां उनके चुने फाइटर्स के बीच एक सिंगल मुकाबला होगा। ये सुनकर जिया लोंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो यही चाहता था। यही फ्यू और हैनली भी सेट तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वैंग जिया लोंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और फ्यू हैनली को बताता है कि ये एक तरह का डेथ कॉन्ट्रैक्ट है, जहां मुकाबला सिर्फ दो फाइटर्स के बीच होगा, ताकि बाकी निर्दोष लोगों की जान बच सके। लेकिन उसे शक है कि जिया लोंग अपने वादे पर खरा नहीं उतरेगा। उधर वैंग कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताता है कि इसमें हम दोनों को एक एक फाइटर चुनना होगा और अगर सेट की फाइट जीत गया तो वुल्फ गैंग हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाएगा और फिर कभी सेट की ओर आँख उठाकर नहीं देखेगा। आगे जिया लोंग अपनी शर्त बताता है कि अगर वुल्फ गैंग जीत गया तो सेट के सभी लोगों को यहाँ सरेंडर करना होगा और फिर उनकी लाइफ मेरी मर्जी से चलेगी। फिर वो वैंग से फाइट को शुरू कराने को बोलता है, जहाँ वैंग अंकल गो नाम के एक सीनियर फाइटर को चुनता है और कहता है कि अब सेट की इज्जत आपके हाथों में है। हैनली फ्यू से गो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि ये असल में सेट मैनेजर एल्मा के अंकल हैं और कहा जाता है कि सेट के इतिहास में इनसे पावरफुल योद्धा कोई नहीं है। हैनली उन्हें ध्यान से देखता है और सोचता है कि ये तो एक मॉडल है और भला फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इनके पास क्या ही ताकत होगी। अंकल को एरिना में आगे बढ़ता है और पता चलता है कि जिया लोग उनसे लड़ने के लिए एक बोने को लेकर आया है। सब लोग ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भला ये बोना अंकल गो का मुकाबला कैसे कर पाएगा, लेकिन हैनली को उस बोने में कुछ अलग नजर आता है। फिर अंकल गो अपनी तलवार निकालता है और बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन देखता है कि वो बोना तो बहुत ही फुर्तीला है। बोना उससे बचने के लिए अपनी गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट करता है और हैनली समझ जाता है कि ये भी उसकी तरह एक कल्टीवेटर है। बाकी लोग भी उसकी स्किल्स देखकर बहुत हैरान होते हैं और देखते हैं कि गो का कोई भी अटैक उस शील्ड को पार नहीं कर पा रहा। हैनली उसकी पावर्स को एनालाइज करता है कि ये तो एक लेवल 3 का कल्टीवेटर है और सोचता है कि ये तो मेरे लेवल से भी नीचे है, तो फिर भला इसे किस बात का घमंड है। उधर बोना अपने एक ही वार से गो को दूर उछाल देता है और फिर उस पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करता है
गो किसी तरह उसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन देखता है कि बोनो उसे संभलने का कोई मौका नहीं दे रहा। फिर जैसे तैसे करके वो बोने पर अटैक करने आता है, लेकिन उससे पहले ही वो स्वॉर्ड उसे मार डालती है और ये देखकर वुल्फगैंग के लोग खुश हो जाते हैं। वैंग को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि अंकल को इतनी आसानी से मारा गया है, और तभी वो बोना कहता है कि तुम लोग खुद को 30 मार का समझते हो, लेकिन असल में तुम जैसे मोर्टल्स की कोई औकात नहीं है और आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को लोगों पर अटैक करने को भेजता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेनली ने पावर यूज करके उसे अपनी ओर खींच लिया है। बोना और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके बीच एक और कल्टीवेटर भी है, और वैंग को याद आता है कि ये तो मास्टर मो का डिसाइपल है। हेनली बोने से कहता है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। फिर वो टेलीपोर्ट होकर आगे आता है और बोना ये देखकर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि मैं किनलिन क्लैन से मास्टर ये का डिसाइपल हूँ और तुम्हें इन मोर्टल्स का साथ नहीं देना चाहिए। उसे लगता है कि हेनली शहर सेट के बाहर से आया है और अगर वो वुल्फगैंग ज्वाइन कर ले तो वो लोग उसे ढेर सारा इनाम दे सकते हैं। इस पर हेनली कहता है कि पहली मुलाकात में ही तुम मेरा फायदा कराना चाहते हो तो मैं भला इससे इनकार कैसे कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड वापस करूँगा। बोने को यकीन हो जाता है कि हेनली अब हमारे साथ है, लेकिन उसके शील्ड हटाते ही हेनली अपने फायर स्पेल से उसे मार डालता है और कहता है कि शायद मैं बताना भूल गया था कि मैं भी बाकियों की तरह एक मॉडल ही हूँ। जिया लोगों को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और बाकी लोग भी हेनली को एक डेविल समझने लगते हैं। हेनली को भी इस स्पेल की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और तभी उसकी नज़र उस फ्लाइंग स्वॉर्ड पर पड़ती है जिसे उसका स्पेल भी नष्ट नहीं कर पाया, और वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर वो जिया लोंग को वहाँ से वापस जाने को बोलता है, लेकिन जिया लोंग कहता है कि मैंने इसके लिए बहुत टाइम वेट किया है और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वो हेनली पर अपने क्रॉसबो का यूज करने को कहता है, लेकिन हेनली टेलीपोर्ट होकर वहाँ से बच निकलता है और जिया लोंग को लगता है कि शायद वो डर कर भाग गया है। उसके उस सेट के लोगों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सेट के काफी सारे लोग मारे जाते हैं, और हेनली ये देखकर सोचता है कि जिया लोंग को अपना सबक अभी भी नहीं मिला। फिर वो आसमान से कुछ फायरबॉल्स को समन करता है जिससे गैंग के लोग सेट तक नहीं पहुँच पाते, और वो जिया लोंग को उसका सबक सिखाने आता है। वो उसे दो ऑप्शन देता है कि या तो तुम खुद ही अपनी जान ले लो या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन आज तुम्हारा मरना एकदम तय है। जिया लोंग ये सुनकर गुस्से में उस पर अटैक करने आता है, लेकिन हेनली अपने फायर अटैक से उसके चीथड़े उड़ा देता है और ये देखकर गैंग के बाकी मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम फ्यू को देखते हैं जिसकी आंख सेट के एक रूम में खुलती है और वो देखता है कि हेनली वहीं सामने बैठा हुआ है। हेनली उसके घाव को चेक करता है और बताता है कि इसी की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। फ्यू कहता है कि ये सब तो बात की बात है और मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम एक कल्टीवेटर कैसे बन गए। हेनली उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं और इसी बीच फ्यू उससे जैंग के बारे में पूछता है। हेनली इस पर उसे झूठ बोलता है कि जैंग सच में अपने घर वापस चला गया है और मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ एकदम खुश है। फिर वो फ्यू को मेडिसिन के साथ साथ एक लेटर भी देता है जिसमें उस पिल की रेसिपी है जो फ्यू अपने ड्रग छुड़वाने के लिए लेता था। फ्यू ये देखकर समझ जाता है कि हेनली ये जगह छोड़कर जा रहा है, और हेनली कहता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि लोग मुझे एक मॉन्स्टर समझने लगे हैं। फ्यू उसे बहुत समझाता है कि तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हेनली उसकी एक नहीं सुनता और उसकी दी हुई डैगर भी उसे वापस कर देता है और कहता है कि ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। फिर वो फ्यू से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।